जय हिंद क्लास, मैं विकास त्रिपाठी मैथ में आपका मार्गदर्शन करूंगा और कौटिल्य बलरामपुर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्काउंट से संबंधित मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल आज स्पेशली जो ये क्लास है वो थोड़ा नॉर्मल टेस्ट के लिए, जैसे SSC GD अपना आ रहा है, इसको टारगेट करते हुए छोटे छोटे क्लासों के लिए ये क्लास आपको उपलब्ध कराई जा रही है। चलिए आप लोग हमारे साथ बनिए ताकि आपको मैथमेटिक्स में छोटी छोटी चीज़ों का फ़ायदा मिल सके। चलिए आपका पहला क्वेश्चन, सबसे पहले देखिए डिस्काउंट, बट्टा जिसको बोलते हैं, बट्टा। इसके पिछली चीज़ों की चर्चा हम कर चुके हैं बेसिक पॉइंट की, हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं कि कैसे कैसे इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 20% छूट देकर भी 20% का लाभ प्राप्त हो। ये क्वेश्चन है आपको, देखिए आपको कैसे हल करना है, बिल्कुल तनाव नहीं लेना है इस पे। तो अब यहाँ देखिए सीधी सी बात है, पढ़िए पहले, सबसे पहले पढ़ना सीखिए क्वेश्चन पढ़ा कैसे जाता है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 20% की छूट देकर भी 20% का लाभ प्राप्त हो। तो आप समझते हैं कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, इन मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच की कड़ी होती है सेलिंग प्राइस। तो ध्यान से देखो, उसने कहा 20% छूट के बाद 20% का लाभ प्राप्त हो। तो मान लो यदि सब आपका कॉस्ट प्राइस हो तो लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य पर होता है। तो उसने कहा है कि 20% का लाभ प्राप्त हो, अर्थात सेलिंग प्राइस आपका 120 हो जाएगा। इतना आपको समझना चाहिए। अच्छा, अब ये देखना है कि भाई ये 120 कोई सामान बिकता कब है। जैसे आप विजय मैगजीन के यहाँ जाते हैं तो आपको वस्तुएं कैसे मिलती हैं, जो मूल्य लिखा होता है उस पर डिस्काउंट किया जाता है। ऐसे ही तो आप देखिए कि 120 रुपये में वस्तु बेची गई, अब किस शर्त पर बेची गई, उसमें डिस्काउंट दिया गया कितने परसेंट का, 20% का। अर्थात अगर अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है और तब कोई सामान बेचा जाता है, तो अब आप क्या कहेंगे कि अंकित मूल्य का 80%, क्योंकि 20% आपने छोड़ दिया अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य का 80% बराबर सेलिंग प्राइस, क्योंकि छोड़ने पर ही कोई वस्तु बिकती है। तो जाहिर सी बात है मार्क प्राइस का 80% बराबर 120, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 120 बटा 80 गुणे 100। तो देख लीजिए 40 दुन्ना 80, 40 तेइयां, 2 से काट दो 50, अर्थात 150। तो अब क्लियर हो गया, ये मार्क प्राइस जो आपका था 150 था। और यही क्वेश्चन उसने पूछा है क्रय मूल्य से, तो जिससे कहे उसी से तुलना करनी है, और किसकी करनी है, अंकित मूल्य की। तो आप देख सकते हैं क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 50% अधिक है। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है, 50% अधिक है। तो जाहिर सी बात है कि 50% अधिक होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सब है, तो अंकित मूल्य जब 150 होगा तब 20% की छूट दोगे, तब वह वस्तु 120 में बिकेगी और तब भी क्रय मूल्य से 20% का फायदा हो जाएगा। तो मेरा आशय है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से
कितना प्रतिशत अधिक हो कि 20% छूट के बाद बारह प्रतिशत का लाभ प्राप्त हो। आपको कुछ नहीं करना, हमेशा बुद्धिमानी से काम करिए। मैथमेटिक्स से हल्का कोई विषय नहीं होता, गारंटी है इस चीज की। देखो, ये जानते हो कि लाभ जो है हमेशा क्रय मूल्य पर मिलता है, तो इसको 100 मानो। अब 12% का लाभ कर रहा है तो जाहिर सी बात है, कोई वस्तु 100 में खरीदी गई और 12% का फायदा मिला, तो मान के चलिए कि 12% का लाभ हुआ, अर्थात तो 112 में बेची गई। अब वो बेची कब गई? जब मार्क प्राइस पे छूट दी गई, तो उसने सीधा कहा भाई कोई भी चीज मार्क प्राइस अपने आप में 100% होती है, और जब 20% की छूट दे दी गई तो जाहिर सी बात है मार्क प्राइस का कितना बचा? 80%। और जो मार्क प्राइस का बचा वही कीमत ले लिया गया। तो अर्थात आशय यह है कि ये जो सामान बिका है छूट के बाद बिका है, तो कितना बचा? मार्क प्राइस का 80% रिप्रेजेंट करता है सेलिंग प्राइस को। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है? मार्क प्राइस का 80% इक्वल टू 112। तो मार्क प्राइस 112 और बटा 80 गुणे 100, तो देख लो 0 0 काट दो, 8 से भाग करो 14 आएगा, अर्थात 140 हो गया। कितना? और तब आपका मार्क प्राइस कितना हो गया? 140। तो क्रय मूल्य से ही कहा है कितना परसेंट बढ़ा के अंकित किया जाए, तो क्रय मूल्य 100 है, मार्क प्राइस 140 है, अर्थात इससे 40% अधिक बढ़ाकर अंकित किया जाना चाहिए। यही आपका क्वेश्चन है। चलो इसको आयोग थोड़ा सा पलट के भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन उसका भी उदाहरण देते हैं। जैसे कह दे अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितना प्रतिशत घटाकर अंकित किया जाए, घटाकर अंकित किया जाए कि 10% छूट के बाद 8% का लाभ प्राप्त हो। ऐसे क्वेश्चन उलट के भी पूछ सकता है। तो बस वही चीज, वही प्रक्रिया आपको करनी है। लाभ किस पे प्राप्त होता है? कॉस्ट प्राइस पे, तो 100%, और तब सेलिंग प्राइस आपका अपने आप हो जाएगा 108, क्योंकि ये कंडीशन लागू होनी चाहिए, तभी भाई 8% का फायदा होगा। तो मार्क प्राइस से अंकित मूल्य से, हाँ देखो कह रहा है कि 10% की छूट के बाद, अर्थात ये चीज मार्क प्राइस का 90% होना चाहिए सेलिंग प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस पे कंडीशन दे रहा है 10% छूट की, अर्थात मार्क प्राइस का 90% बराबर ये है 108, अर्थात सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस बराबर 108 बटा 90 गुणे 100। देख लो मेरे बंधु, आपने भाग दिया 12 आया, अर्थात 120। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टी प्रक्रिया ये है, यहाँ पूछ रहा था क्रय मूल्य से, तब तो भाई क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 20% अधिक है, लेकिन यहाँ उल्टा पूछ रहा, करा अंकित मूल्य से क्रय मूल्य, अंकित मूल्य से। याद करो मेरी परसेंटेज की भाषा, जैसे कहते हैं कि 8 से 10 कितना प्रतिशत अधिक है, या कह देते हैं 10 से 8 कितना प्रतिशत कम है, तो आप क्या करते हो, ये वाला पॉइंट नीचे पकड़ते हो 8, और जब अधिक और कम की बात करता है तो अंतर निकाल देते हो, ये वाला ये हल करना है तो बटा 10 करोगे। मैंने समझाया था इसलिए स्पीड से थोड़ा बता रहा हूँ, तो इनका अंतर 2 है, वही चीज है, गुणे 100 कर दोगे निकल आएगा 10 से 8 कितना प्रतिशत कम है। ऐसे ही यहां देखना है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितना प्रतिशत कम होना चाहिए, तो अंकित मूल्य से कितना कम है? 20, और किससे? अंकित मूल्य से। तब यहां इस प्रकार से भाई इतने केवल अंतर इसमें है, 2 6 12, 2 3 6 50,
अर्थात 50 बटा 3 का आंसर है 16, सही 2/3%। इस प्रकार से आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए आगे, फिर आगे क्वेश्चन हम लोग थोड़ा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि कोई दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यदि कोई दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? तो अब उसने शर्त कहा है भाई, कॉस्ट प्राइस आपका 100 होना चाहिए, और कह रहा है इससे जो मार्क प्राइस है वो 40% अधिक होना चाहिए इससे। तो आप कह रहे हैं भाई सेलिंग प्राइस पता लगा, जब तक सेलिंग प्राइस नहीं पता चलेगी तब तक आपको हानि लाभ का पता नहीं चलेगा। तो सीधी सी बात है कि छूट किस पर दी जाती है? हमेशा मार्क प्राइस पर। तो उसने कहा है कि 30% की छूट दी जाए, अर्थात जब 30% छोड़ दोगे तब मार्क प्राइस का 70% ही तो सेलिंग प्राइस होगा, अर्थात इसका आशय है सेलिंग प्राइस 98। तो यहां घाटा हो गया, क्योंकि जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होता है तब क्या होता है? हमेशा लॉस होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने रुपए का घाटा हो गया? 2 का। और ये 2 हुआ किस पर है? 100 पर। तो सीधी सी बात है 2% लॉस हो गया, 2% हानि हो जाती है। यदि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 40% अधिक हो और 30% का छूट दिया जा रहा हो अंकित मूल्य पर, तो तय है कि 2% की हानि हो जाएगी। चलिए ऐसा अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 70% अधिक है, बताओ कितने प्रतिशत की छूट दी जाए? बताओ कितने प्रतिशत की छूट दी जाए कि लाभ 19% हो, कि लाभ 19% हो। बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा आप लोग बुद्धिमानी का परिचय देंगे। सीधी सी बात है, उसने क्लियर कर रखा है क्रय मूल्य से, अर्थात कॉस्ट प्राइस 100, जहां से लगा हो उसी को 100 मानना है। मार्क प्राइस कितना? मार्क प्राइस आपका इससे 70% ज्यादा, अर्थात 170। अब यहां सवाल यह है कि अब छूट का छूटक पता लगाना है आपको, लेकिन यहां एक चीज और दे दिया है कि 19% का लाभ हो, तो तय है कि सेलिंग प्राइस 119 होना चाहिए। भाई क्रय मूल्य से ही लाभ हानि की गणना होती है। अब 119% होना चाहिए, यानी 100 का अगर कोई चीज खरीदा और 119 का बेचोगे तभी 19% का फायदा होगा, क्योंकि लाभ हानि की गणना सदैव किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। और छूट की गणना सदैव अंकित मूल्य पर होती है। जाहिर सी बात है, जब तक आप छूट नहीं देंगे तब तक कोई चीज बिकेगी नहीं।
अच्छा ये चीज़ इतने में बिकनी है और इसका अंकित मूल्य है, क्योंकि इतने में बेचोगे तभी 19% का फायदा मिलेगा, और इतने में बिकनी है तो इस पर छूट देके भाई अंकित मूल्य तो इसका 70 है, तो पता लगाओ कि छोड़ा कितना दुकानदार ने ग्राहक को, तो पता लगा कि 51 रुपया छोड़ा, कितना 51, तो 51 रुपया अंकित मूल्य पर छूट दिया, भाई 170 अंकित था और 51 रुपया छूट दिया, तब जाके वो सामान 119 में बिका। अब 51 का छूट दिया तो पता लगाओ जो छूट है, छूट इस अंकित मूल्य का कितना परसेंट है, यही चीज आपको पता लगाना था। तो पता चला भैया 30% की छूट दे देगा दुकानदार ग्राहक को, तब जाके उसको 19% का फायदा मिलेगा। ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।